इनकी माता जी का स्वास्थ्य भी हमेशा नरम गरम रहेगा, ऐसा है जी? जी बिल्कुल। तो एक मोती पहना दीजिए इस बालक को जी, और अनुलोम है। मोती कितने रखती? देखिए एक बात बताएं दुबे जी, हमने आज तक कभी जीवन में किसी अपने क्लाइंट को, मतलब 300 साल हो गए हमको ये काम करते हुए जी, और भगवान की दया से हमारे पास हमेशा वेटिंग लगी रहती है जी, इतनी भीड़ रहती, लेकिन हमने कभी भी अपने यजमान को ये रत्न का वजन नहीं बता पाए हम, क्योंकि हमें मालूम वजन का कोई सिद्धांत नहीं जी, आप जी, समझ आप हम समझिए हमारी बात। हम एक सवाल आपसे करते हैं कि कोई भी रत्न जब आप कैरेट का सिद्धांत लागू करके पहनते हैं कि पुखराज 4 कैरेट का होना चाहिए, गोमेद 4 कैरेट का होना चाहिए, तो फिर हीरा भी 4 कैरेट का पहनना चाहिए। लेकिन हीरा 4 कैरेट का पहनाएंगे तो मनुष्य का खेत बिक जाएगा, प्लाट बिक जाएगा। तो पंडित जी लोग कहते हैं कि हीरा तो रत्न में छोटे से छोटा कम सेंट में चल जाएगा, कैरेट भी छोड़िए, तो गलत है ना। अगर नियम है तो हीरा पे भी लागू होना चाहिए और गोमेद और पुखराज पे भी लागू होना चाहिए, है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि अगर सिद्धांत है तो फिर उसमें लचीलापन क्यों आ गया कि हीरा में आप कंप्रोमाइज करने लगे, बाकी में जो सस्ते उनमें कंप्रोमाइज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि कंप्रोमाइज कहीं भी किया जा सकता है, फालतू की बात है, तो हम ऐसी कोई बात करते नहीं। तो आप तो आंख बंद करके मोती पहना दीजिए, 3 कैरेट 4 कैरेट 5 कैरेट मोती, मोती आप 5 कैरेट पहना, 6 कैरेट पहना, 4 कैरेट पहना, मोती ही रहेगा ना जी। जी मोती बहुत छोटा पहनाएंगे तो क्या गोमेद थोड़ी हो जाएगा जी। तो ऐसा है, आप परेशान मत होइए।